तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग देख सकते हैं कैसे डब्बा में पैक कर रहे हैं, ऐसे ही पैक करके रखना है हम लोगों को। और ये डब्बा में पैक कर दिए हैं, एक बॉक्स तैयार हो गया हम लोगों का। और जो धागा पूरा कंप्लीट मिल जाता है उसे हम बॉक्स में करके रख देते हैं। हम लोग कंपनी में आ गए हैं और अभी रात के बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। और आज का काम हम लोगों को, हम दोनों भाई को यही मिला है कि धागा को एक जगह एक सेम कलर का एक जगह करके इकट्ठा रखना है और कुछ डब्बे में पैक करके रखना है हम लोगों को। तो सारा धागा आप लोग देख सकते हैं, इसमें से हम लोग मैचिंग करके धागा को उधर साइड से एक जगह लगा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं है? तो भाई बोल रहे हैं कि मेरा कंपनी है। तो फ्रेंड्स यही काम है आज का, और प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो मशीन खड़ी हुई है और करीब तीन चार मशीन खड़ी हुई है और प्रोग्राम भी नहीं मिल रहा है। इस समय बरसात का समय है और काम भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जो जो काम है वही हम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल में इतना धागा कचरा बन गया था और इसी धागे में से हम लोग छाँट कर एक जगह सेम कलर का सेम नंबर का अलग अलग करके उस डब्बा में, इधर खाली डब्बा पड़ा हुआ है, इस डब्बा में पैक करके हम लोग रखेंगे। और भी रखा गया है उधर, आप लोग देख सकते हैं। और इधर हम भी इकट्ठा कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं सेम कलर दिख रहा है। और ये हैं इमरान भाई और हम, और एक लड़का ऊपर में है तो वो मशीन चलवा रहा है। और आप लोगों को बता दें कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या होने वाले, तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसे पैक कर रहे हैं हम लोग। और आप लोग देख सकते हैं कितना कचरा बन गया है, ये कचरा जैसा बन गया है। और इसी में से हम लोगों को कलर बिछना है कि कौन सा सेम कलर का कौन सा नंबर का धागा है। और इसी में से छाँट कर हम लोगों को साइड में लगा कर डब्बे में पैक करके रखना है। तो फाइनली चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाएंगे। और एकदम मस्त कूलर भी चल रही है, हवा भी लग रही है। और इस समय बरसात का समय है तो गर्मी भी बहुत होती है, ऊपर में तो और भी गर्मी हो रही है। फिलहाल अभी कूलर चल रहा है तो हम लोगों को तो गर्मी हो नहीं रही है। और आप लोग देख सकते हैं इस साइड में हम इधर से बना रहे हैं क्योंकि इस साइड में कैमरा लगा हुआ है, तीसरे आप देख रहा है हम लोगों को। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, और इधर माल बिखर आ गया है, इधर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं कूलर डब्बे को बूढ़े कट्टे में से निकाल कर अलग कर रहे थे, और उसी कट्टे को धागा को सेम कलर में यहाँ पर हम लोग झील कर नीचे सेम कलर को छाँट रहे हैं। और कितना भी बचा हुआ है इसमें से अलग अलग सेम नंबर का, कोई 76 है, कोई 10 है, कोई 99 है, कोई 100 है, कोई 500 है, इसी धागा नंबर से बाइक से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और अभी रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि दिन में तो हम लोग सोए रहते हैं क्योंकि रात भर जगते रहते हैं, तो दिन में तो समय नहीं मिलता है, रात को सो जाते हैं, दिन में सो जाते हैं और रात भर काम करते हैं तो दिन में बनाने का समय नहीं मिलता है। तो अभी समय मिला है तो हम बना लेते हैं, ब्लॉग सोचे कि बना ले भाई के साथ ही। और फिलहाल हमारा धागा है कम्प्लीट होने वाला है, और इधर खोजने पर मिल भी नहीं रहा है, कोई कोई मिल रहा है तो दो तीन धागा मिल रहा है, दो चार धागा इधर देख सकते हैं, इधर 4-5 धागा है इधर, क्योंकि एक बॉक्स 12 कौन का आता है और इसमें से कोई 6 है, कोई 5 है, कोई 3 है, इसीलिए तो इधर इकट्ठा कर रहे हैं जितना बचेगा उतना लास्ट में हम लोग डब्बे में पैक करके रखेंगे। तो फिलहाल अभी फाइनली हम लोग चलते हैं और ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इमरान भाई, लाइक करके दिखा दो। तो फ्रेंड से धागा उठाकर दिखा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि लाइक उठा दिखाओ, लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए ये दिखा रहे हैं। तो फाइनली आप लोग सपोर्ट और प्यार अपना बनाए रखिएगा मेरे चैनल पर, और जो भी गलती होगी तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या है और वीडियो में लास्ट तक जरूरी से हम लोग डब्बा में पैक करेंगे और जो बचेगा उसको भी छाँटेंगे। और हम लोगों का 12 घंटा का ड्यूटी रहता है तो 12 घंटा में हम लोगों को यही करना है, क्योंकि काम वाम तो है नहीं फिलहाल में, अभी यही काम मिला है हम लोगों को। तो फिलहाल काम करते हैं चलते हैं, और इधर देख सकते हैं इधर इधर से उधर हटा कर ही देख रहे हैं कि कौन सा धागा मिल रहा है सेम साइज का और कौन नहीं मिल रहा है।
दो दो मिल रहा है, एक मिल रहा है, तीन मिल रहा है, इसको इकट्ठा कर रहे हैं और फाइनली इसे डब्बा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हर जगह अभी नहीं बचा हुआ है रखने के लिए। फाइनली इसे डब्बा में करते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। और इधर भी आप लोग छठा हुआ है, अंदर कितने कलर का है, ये सब सेम कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन नंबर अलग है, नंबर अलग है और थोड़ा थोड़ा मैचिंग अलग है, ये एक कलर का नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैचिंग अलग है, इसलिए हम लोग अलग अलग रखते हैं। तो आप लोग फाइनली आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और इधर से देख सकते हैं, इधर भी धागा है और इधर देख सकते हैं कितना धागा पड़ा हुआ है, कटा है, और उधर और भी सरिया कर रखा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं तो सेम कलर का ऐसे ही सरिया कर रखा हुआ है। और इसको इकट्ठा करना है, एक नंबर का अलग अलग करके जो जो नंबर है उसको अलग करेंगे। तो फाइनली फिलहाल चलते हैं आगे, आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग सेम कलर का देख सकते हैं, अलग अलग छाट दिए हैं हम लोग इधर से, और इधर मैं छटा हूँ फाइनली। और उधर देख सकते हैं, इधर कूलर भी चल रही है उधर, और इधर देख सकते हैं इधर कितना सारा कपड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फाइनली चलते हैं, अपना काम करते हैं और चलते हैं आगे, खोलते हैं और भी धागा जो जो कंप्लीट हो जा रहा है 12 फोन का, वो हम एक डब्बे में रख देते हैं। तो फाइनली चलते हैं, आप लोग देख सीख सकते हैं कैसे हम लोग पैक कर रहे हैं डब्बा में। ये जो डब्बा दिख रहा है इधर, ये इतना नंबर आप लोग देख सकते हैं, इतना नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है वो गलत है, तो इस पर नया नंबर लिखेंगे। जो इस बॉक्स में जो धागा का नंबर है वही इस बॉक्स पे चढ़ाएंगे हम लोग। और फाइनली इस बॉक्स को जियो नंबर का धागा है उसी को लिखेंगे, ताकि खोजने में आसान हो, जो चलाएगा उसे खोजने में दिक्कत ना हो कि कौन सा नंबर का कौन सा धागा है। तो चलिए फिलहाल एंट्री करते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा नंबर का धागा है आप लोग देख सकते हैं। इधर इधर धागा पर नंबर लिखा हुआ है इधर फाइनली, तो ये है 1-25-93, तो इसी को एंट्री करेंगे हम इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली हम लोग चलते हैं, इसे एंट्री करते हैं, ताकि इतना बॉक्स कंप्लीट हो गया है, ताकि पता चल सके कौन सा बॉक्स में किस नंबर का धागा है। तो फिलहाल हम इस पर लिखते हैं कितना नंबर का धागा है, 1-25-93। तो ए रहा हमारा मार्का, और इसी मार्के से हम लोग इस पर एंट्री करेंगे। तो जो लिखा हुआ है इसे काट कर, लिखा हुआ है इसे काट कर नया नंबर चढ़ाएंगे धागे पे, ताकि पहचान में आ सके कि कौन सा किस बॉक्स में कौन सा नंबर का धागा है। तो फाइनली अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए एंट्री करते हैं। फाइनली इस पे नंबर हम चढ़ा रहे हैं, और एक साइड इसे रखेंगे छाप कर हम लोग। लिख सकते हैं और देख सकते हैं कितना समय में कंप्लीट होता है, आप लोगों को दिखाएंगे।
तो वीडियो लगातार बनती रहेगी और लोग में एंड तक बने रहेंगे। फ्रेंड्स अभी रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग 9 बज के आए हुए हैं। करीब 3 घंटे हो गए हैं और यही काम है हम लोगों का फाइनली। अभी तो मशीन चलाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम भी नहीं है। वैसे में कपड़ा है इधर बहुत सारा लेकिन दूसरी मशीन का है 400 या मशीन का, लेकिन हम लोग 250 रुपये चलाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली बहुत सारा समय लग जाएगा इतना सारा धागा को नंबर चलाने में। तो लोगों को अभी यही स्टॉप करते हैं और एंड करते हैं और भी आगे आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है आज रात में। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। तो फाइनली अभी ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं और गर्मी भी इधर बहुत हो रही है उस साइड में है, आप लोग देख सकते हैं भाई मटकिया रहे हैं। आप लोगों को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इधर देख सकते हैं वो पैकिंग कर रहे हैं और हम नंबर चला रहे हैं इधर। और वैसे में इधर टाइम पास भी हो रहा है क्योंकि अब क्या करें रात भर यहीं करना है हम लोगों को। फिलहाल चलते हैं आगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। और रात में बहुत मेहनत पड़ता है काम करने में, नींद भी आती है फिर भी करना पड़ता है काम को। तो क्या करें चलते हैं आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एंट्री करना है और यहाँ के बॉक्स पे तो फिलहाल अभी के लिए ब्लॉग को अभी यही समाप्त करते हैं। ब्लॉग में नाटक बने रहिएगा, मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली अभी ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। इतना ही बहुत।